स्वागत है दोस्तों इस ब्लेंडर बेसिक पार्ट ट्यूटोरियल्स में। आगे का जो इस पार्ट में हम देखेंगे जो बेसिक कैसे हम प्रिमिटिव्स को क्रिएट करते हैं और मॉडलिंग का प्रोसेस कैसे होगा, एडिट मोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट मोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा 3D कर्सर के बारे में भी अवेयर होंगे कि कुछ कुछ कमांड्स हम सीख सकते हैं इसके ऊपर समझने के लिए आगे। तो चलिए उसके बाद हम ये आज आज का पार्ट में मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करा देता हूँ मेज सिलेक्शन कैसे करेंगे। देन उसके बाद हम एडिटिंग पे आएंगे और हम फिर से बेसिक मॉडलिंग पे आएंगे। एक एक टूल्स के बारे में बताऊंगा जो इसके इनसाइड आपको मिलता है जब ऑब्जेक्ट मोड में रहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं 3D कर्सर के बारे में। देन हम आगे इसके बिहाफे में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करोगे। प्लस जब हम एडिट मोड में जाते हैं, आगे मैं बताऊंगा, अब टाइप प्रेस करते हो एडिट मोड में तो बहुत सारे यहाँ पे मल्टीपल कमांड्स मिलते हैं, उसको एक एक कमांड के बारे में मैं थोड़ा सा अवेयर कराऊंगा। तो सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं, पहले मैं टाइप प्रेस करता हूँ और ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ। जैसा कि पहले भी हमने देखा कि हर एक पार्ट में जब भी मैंने स्टार्ट किया ब्लेंडर, और ब्लेंडर के अंदर कुछ डिफॉल्ट एलिमेंट्स में मिलते हैं जैसे लाइट, कैमरा एंड ऑल। तो चलिए ये सब क्या है, और प्लस बहुत ध्यान से आप देखोगे तो एक पॉइंट्स दिखेगा आपको सेंटर में, लाइक जहाँ अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं देखता हूँ कि एक जस्ट सेंटर में एक ग्रिड पॉइंट जिसको हम लोग 00 ओरिजिन बोलते हैं, वो उस ओरिजिन पे एक एक स्नैपर टूल समथिंग ऐसे क्रॉस टूल या आपको दिखाएगा कुछ रेड एंड व्हाइट कलर में आपको दिखाता है एक मार्क टूल। तो इसे हम लोग कर्सर बोलते हैं जो 3D कर्सर के नाम से जाना जाता है। ये 3D कर्सर को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अगर मैं समझता हूँ कि हर एक सॉफ्टवेयर में मिलता है, लेकिन सबका अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं उसको हैंडल करने का। बट इसमें बहुत ही अनोखा तरीका है जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत इनक्रेडिबल प्रोसेस है जिसको हम समझेंगे और उसके बिहाफ पे हम काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ आप देखोगे ये जो आपको दिख रहा है, ये कर्सर को सबसे पहले डिस्प्लेस कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। कर्सर मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन पॉइंट है, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट को इसमें आप शिफ्ट ए प्रेस करके अगर आप जाते हो, शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद, तो आप क्रिएट ऐड मतलब कुछ भी प्रिमिटिव इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो जो आपका डिजायर है, मॉडलिंग से रिलेटेड, रिगिंग से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड एंड ऑल लाइक एलिमेंट्स जो हम इसका यूज करते हैं। अदरवाइज आप ऐड से जाते हो, जो भी हम एडिशनल ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे मान लो हमने एक नया क्यूब लिया, तो जब भी हम नया एक क्यूब लेते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आप देखोगे, जूम आउट किया मैंने तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें एक यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इस कर्सर को डिस्प्लेस करो, तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट आप लो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितने ऑब्जेक्ट लेंगे। अगर मैंने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लिया, मतलब ये शुजान मंकी को लिया, जी प्रेस किया, मैं हटाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा सेंटर में ही क्यों बनाता है, ठीक है, रीजन है इसका कर्सर का सेंटर पॉइंट। कर्सर को हम जहां रखते हैं वहीं पे ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, रीजनरेट करेगा। तो दो तरीका होता है ये कर्सर को, या तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ और कहीं भी क्लिक करता हूँ, कहीं भी ड्रैग करके ले जाता हूँ कि मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ पे अभी जनरेट करना, मतलब इसके हेड के लगभग मैंने रख दिया, या मैं यहाँ पे क्लिक करके रख दिया कि मुझे ऑब्जेक्ट इसके ऊपर जनरेट होना चाहिए, या मुझे कहीं भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट क्लिक पे करेंगे। अगर ये चीज अगर ऑफ रहता है, जैसे मान लो कि आपने इस मोड पे रहा, तो इस मोड पे रहने में क्या होता है कि शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट, ये आपका कर्सर जो 3D कर्सर है वो मूव होता है कहाँ पे आपको रखना है। शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक से, राइट क्लिक, सॉरी, राइट क्लिक से आप कहीं भी रख सकते हैं। और अगर ये रखने का बेनिफिट क्या हुआ, अभी आप देख सकते हो कि चलो ये कर्सर अब यहाँ पे रहा और हम कुछ भी एडिशनल लेते हैं, ऐड करते हैं, जैसे मान लो हमने एक स्फीयर ले लिया, तो देखो अब स्फीयर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है जो आप देख सकते हो। फिर से एक बात और है, ये कर्सर को अगर मैं मान लो कि ये ऑब्जेक्ट हमारा जी प्रेस करके मैं अगर अलग हटाया, तो ये जो हमारा कर्सर का अभी स्टेटस है जो यहाँ पे है, ठीक है, अभी मैं कर्सर को चाहता हूँ कि ये ग्रिड पॉइंट पे रहे। तो एक और बटन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, शिफ्ट प्लस एस प्रेस करते हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी कर्सर यहाँ पे है, अब मैं कर्सर को चाहता हूँ कि सिलेक्शन टू कर्सर, मतलब जो सिलेक्शन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो कर्सर पे चला जाएगा जब मैं इसको करता हूँ, कंट्रोल जेड से अंडू किया और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। अब मैं कर्सर को मैं चाहता हूँ कि सिलेक्शन के ऊपर जाए, तो शिफ्ट एस प्रेस करो और अभी आप बोलो कर्सर टू सेलेक्टेड, तो आप ये कर्सर को वहां तक लेके चले गए। तो इस तरीके से जो भी आप इसमें आप चेंजेस लाते हो, प्लस हम ये करते हैं, इसका एक और है
कि अगर ये कर्सर, ये तो ये हुआ, अभी कर्सर का जो भी आप देखोगे सिलेक्शन करने के बाद ऑब्जेक्ट है उसके एक बीच सेंटर पॉइंट में एक आपको एक जस्ट एक पॉइंट्स मिलते हैं, कलर डॉट मिलते हैं ऑरेंज कलर का, इससे ये बताता है कि इसका पिवट पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है कोई भी ऑब्जेक्ट को जब सिलेक्शन करते हो आप। तो अभी सेंटर मास को अगर मैं अलग करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास को अलग करने के लिए मान लो कि अभी मैंने शिफ्ट राइट क्लिक किया, कर्सर को यहाँ रख दिया या यहाँ ग्रिड पे रख दिया, एग्जैक्टली अब मैं चाहता हूं कि ये कर्सर पे ये ऑब्जेक्ट जो है जो यहां से अभी अभी मान लो कि इसको आप रोटेट करते हो, आर प्रेस करके रोटेट करते हो, तो अपने जस्ट वो पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके अकॉर्डिंग हो, मोमेंट हो उसका, लाइक रोटेशन हो या जो भी हो, मतलब इसका पिवट पॉइंट यहां पे आ जाए। तो इसके लिए आप राइट क्लिक करोगे डायरेक्टली और यहां पे आप जाओगे सेट ओरिजिन, मतलब इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन मैं सेट करना चाहता हूं कि ओरिजिन टू 3D कर्सर। तो क्या किया, अभी इसके ओरिजिन उठ के 3D कर्सर पे चले गए। अगर आप आर अभी प्रेस करोगे तो आप देखोगे इसके अगेंस्ट आप इसको मूवमेंट दोगे। सपोज कि ये कर्सर का इसका जो पिवट पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स का पिवट पॉइंट से ले ले, ठीक है, तो मैं इस बॉक्स का जस्ट सेंटर में शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा एक बार, या इस कर्सर को इसका जो पिवट पॉइंट है इस कर्सर को इसके पिवट पॉइंट पे रखूंगा। तो कैसे रखूंगा, शिफ्ट प्लस एस से आप यहां पे बोलो कर्सर टू सेलेक्टेड, तो ये कर्सर उस सेलेक्टेड एटम पे चला गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इससे पिवट पॉइंट करता हूं, जो इसका पिवट पॉइंट अभी यहां पे है, ये पॉइंट मैं चाहता हूं कि इसके पिवट पॉइंट पे जाए और इसके अराउंड हो, ये मूवमेंट हो, या आपको लगता है कि चलो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आप थोड़ा सा टॉप व्यू जैसा आप कर लो और जी प्रेस करके ड्रैग करके चलो इसके पास रख दो। अभी क्या हुआ कि इसके जो कर्सर है, इसका जो सॉरी बेस इनका जो मास पॉइंट है, लाइक ये चला गया यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट। अब ये सेंटर पॉइंट को हमें इस कर्सर पे लाना है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड राइट क्लिक करो एंड राइट क्लिक करने के बाद क्या करोगे, वही ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब देखो इसका ऑब्जेक्ट का ओरिजिन यहाँ पे चले गए। अब अगर आप आर प्रेस करोगे तो आप देखोगे इसके अगेंस्ट आप रोटेट करोगे, इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रोटेशन होगा, चाहे किसी भी एंगल में करें, जैसे आर और जेड प्रेस किया तो अब इस एंगल में ये रोटेशन होगा लाइक ये। तो किसी भी एंगल पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं इसके अगेंस्ट। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो अभी स्टार्टिंग के लिए हम इतना समझ सकते हैं। फिर से कर्सर मैं चाहता हूं कि यहां पे लाऊं या हर एक ऑब्जेक्ट का, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास अभी यहां पे हो गया, जी प्रेस करके देखो वहां पे चला गया। अभी मैं चाहता हूं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे है, और जहां पे ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी ऑब्जेक्ट रखे इसका सेंटर ऑफ मास से खुद बन जाए, तो फिर राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ इसको बोलो ओरिजिन टू सेंटर टू मास सरफेस, दैट्स इट। अब फिर से आर प्रेस कीजिए, अब अपने एंगल पे मूवमेंट होगा जैसे एज यूजुअल होता है। तो ये तो चलो ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आज सीखना चाहेंगे जो कुछ नया बेसिक टूल्स है जो हम यहाँ पे सीखेंगे जो एडिटिंग से रिलेटेड होता है, प्लस हम थोड़े से उसका सिलेक्शन के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले तो सिलेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड आप नमलॉक पीरियड की को आप प्रेस करोगे तो ये जूम होते हैं, और जब हम एडिट मोड पे जाते हैं टैब प्रेस करने के बाद तो जो भी हमें यहाँ पे मिलता है इसको एडिटिंग करना है सपोज, तो जो भी हमें कंपोनेंट्स मिलता है जो वर्टेक्स एज एंड फेसेस जो हम पहले भी बता चुके हैं, तो ये वर्टेक्स फेस और एजेस के मोड पे हम रहते हैं और इसके ऊपर इसके बिहाफ पे हम इसको मॉडिफाई करते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे अभी जो काम करना है हमें कितना और कितना एरिया में कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे लूप सिलेक्शन होता है। तो वन प्रेस करके आप देखोगे, जब आप वन प्रेस करोगे तो आप देखोगे वर्टेक्स सिलेक्शन हो रहा है हमेशा। और ये ऑल सिलेक्शन अगर करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप तो होता क्या है, इसमें आप बैक में जाओगे तो ये बैक फेस को सिलेक्शन नहीं करता है। अगर इसी को शिफ्ट जेड प्रेस करके आप सिलेक्शन करोगे तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप इसको ऑल सिलेक्शन एक बार कर सकते हो, या अगर आपने शिफ्ट जेड प्रेस करके सेडेड मोड पे हो, अगर आपने मान लो कि इतना कोई भी एक वर्टेक्स को पकड़े और हर एक वर्टेक्स को इस सिलेक्शन पे पकड़ना है, सिलेक्शन करना है, तो ए प्रेस करते हो मतलब ऑल सेलेक्ट हो गया, फिर डबल ए प्रेस करते हो तो डिसलेक्ट हो गया, ऑल डिसलेक्ट, मतलब एक बार अगर मैंने एक सिलेक्शन करके ए प्रेस किया तो ऑल सिलेक्शन होता है और डबल क्लिक किया तो ऑल डिसलेक्ट भी होते हैं। तो वैसे हम स्पेसिफिक जो कंपोनेंट को हम सेलेक्ट करते हैं उसी कंपोनेंट पे एडिटिंग होता है, बाकी का कंपोनेंट आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कमांड नहीं चला सकते हैं,
एक बार में किसी एक के ऊपर ही कमांड चला सकते हो। जैसे मैं इसे सेलेक्ट करना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं सिलेक्शन होगा क्योंकि ये एडिट मोड में है। तो अगर आप टैब प्रेस किया और इसको भी आपने ले आया ऑब्जेक्ट मोड में बाय प्रेसिंग टैब एंड देन आप क्लिक करो तो वो सिलेक्शन होंगे, और जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए आप टैब प्रेस करो तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आप इसका वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे चले गए और अपने हिसाब से इसको आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करोगे। जैसे वर्टेक्स हमें सिलेक्शन करना है सबसे पहले, या एज सिलेक्शन करना है, तो चलो हमने वर्टेक्स सेलेक्ट किया और इसी वर्टेक्स का जो सिलेक्शन है उसको हम अलग अलग, आप देखोगे यहाँ पे बहुत सिलेक्शन से रिलेटेड चीजें मिलेगी आपको कि कैसे लूप सिलेक्शन करना है, रिंग सिलेक्शन करना है एज के लिए, ओके। तो ये सब चीज हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं इसके रिलेटेड जो सिलेक्शन से रिलेटेड होगा जो अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो सिलेक्शन करने का जो तरीका है, यहाँ पे अगर आप आते हो इस पे क्लिक करो और इस पे एक बार क्लिक करके रखेंगे, एक ट्विक सिलेक्शन होता है, एक होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बॉक्स, बॉक्स का लाइक रेक्टेंगल में होता है, एक सेलेक्ट सर्कल, और इसके लिए आप सिंपल WWW आपको प्रेस करना है तो ऑल्टरनेट आपको होगा। एक होता है लासो सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन क्या होता है, सबसे पहले अगर आप W प्रेस करो तो ये आप देखोगे सिलेक्शन जंप करता है अल्टरनेट, जो एक एक सिलेक्शन जो अभी हमने बात किया। तो अगर पहले मैं ट्विक सिलेक्शन पे हूँ तो मतलब यहाँ पे क्लिक एंड ट्विक होगा, कहीं भी आप क्लिक करके करोगे, आप ड्रैग करके नहीं कर सकते इसको सिलेक्शन। अगर आपने फिर से W प्रेस किया, अगर आपने अभी रखा है बॉक्स सिलेक्शन मोड पे, या आप डायरेक्टली B प्रेस कर दो तो भी वो बॉक्स सिलेक्शन मोड आता है, देन आप बॉक्स सिलेक्शन मोड पे आ गया। तो बॉक्स में भी हम देखते हैं कि कितना बॉक्स में आपको सिलेक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन कर सकते हो इसको, ठीक है। तो बॉक्स सिलेक्शन हो गया। अगर इसी सिलेक्शन को आप यहां से दूसरा मोड पे रखना चाहते हो, दूसरा है सर्कल, सेलेक्ट सर्कल, तो सर्कल सिलेक्शन पे मतलब आप सर्कल पे क्लिक करो और ये एक सर्कल बनेगा, आप इस सिलेक्शन के ऊपर आप जा सकते हो, अंडू करो तो ये सिलेक्शन के ऊपर आपको क्या मिलता है, जहां ड्रैग करेंगे वो उतना एरिया को पेंट सिलेक्शन के जैसा ये काम करेगा। अगर मैं 2 प्रेस करता हूं तो एज मोड पे भी वो सेम सिलेक्शन होगा, अगर मैंने 3 प्रेस किया तो फेस मोड पे वैसे सिलेक्शन होगा, लेकिन जितना फेस दिखेगा वैसे ही सिलेक्शन होता है। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा इसका, और लासो सिलेक्शन भी एक बार देख लो। लासो सिलेक्शन जैसे जैसे आप ये मॉडिफिकेशन करोगे सिलेक्शन अपने कस्टम के हिसाब से, वैसे वैसे एरिया को ये सिलेक्शन करेगा लाइक दिस। तो यही चीज ऑब्जेक्ट के साथ होता है। अगर मैं ऑल ऑब्जेक्ट के साथ हूँ तो देखो ये सिलेक्शन मार्के के साथ हो रहा है ऑल सिलेक्शन। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और लासो पे जाता हूँ, चलो इसे सिलेक्शन करना है, या मैं चाहता हूँ कि ये 3 ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्शन करे, ये और ये, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ही सिलेक्शन हो तो मैं इतना मार्क करूंगा, ये 3 ऑब्जेक्ट ही सिलेक्ट हो गए, मैं चाहता हूँ कि इतना ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो तो ऐसे हम ड्रैग करके इसको लेके आएंगे। तो ऐसे सिलेक्शन कंपोनेंट भी कर सकते हो सरफेस के साथ और नॉर्मल ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्शन करते हो। तो चलो अभी मैं बात करता हूँ दिस सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, टैब प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड पे जाते हैं और डबल ए प्रेस करते हैं तो वो डिसलेक्ट हो जाते हैं जितने भी सिलेक्शन है। यहाँ पे जो कंपोनेंट बेस्ड जो सिलेक्शन होते हैं वो हम कैसे करेंगे, जैसे आप अभी अगर आप फेस मोड पे हो, एक फेस सेलेक्ट करके अगर आप कंट्रोल क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि कंट्रोल डबल क्लिक करने के बाद क्या होता है कि एक सेलेक्ट कर लो और इसी रो में हमें सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे जाके कंट्रोल और डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा इंटायर लूप को सिलेक्शन कर लिया। अगर सिमिलरली अगर आप इसमें देखो कि नेक्स्ट आप एज मोड पे रहो बाय प्रेसिंग 2, अगर हमने एक बार सिलेक्शन किया और डबल क्लिक किया इसके ऊपर बाय होल्ड ऑन शिफ्ट तो भी ये सिलेक्शन करता है, ओके, या एक बार कंट्रोल क्लिक एक बार करो तो वो कंटिन्यू, उसके साथ और मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं, जैसे और भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ में, ठीक है। तो ये चीज है, अगर मैं एक बार बाहर क्लिक करता हूं तो सब डिसलेक्ट हो जाते हैं, और डबल क्लिक करने से ही ऑब्जेक्ट आपको ये सिलेक्शन मोड में चला जाता है लाइक लूप सिलेक्शन मोड में, ये भी एक इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो चलिए ये सारे सिलेक्शन है। अगर मुझे बॉर्डर सिलेक्शन करना होता तब उसके लिए, जैसे मान लो बॉर्डर एरिया हम कैसे समझेंगे, तो कुछ एरिया को अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे मैं मान लो हमने फेस मोड पे गया और यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके इतना एरिया को डिलीट कर दिया, तो हमने फेसेस को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे जो बॉर्डर बने हैं, यहाँ पे अगर बॉर्डर एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है जो भी, जैसे हम एज ही होगा बॉर्डर एलिमेंट्स,
बॉर्डर क्लिक करने के लिए बस डबल क्लिक करो, पूरा कंप्लीट बॉर्डर सेलेक्ट करेगा या लुक को, ऐसे हम सेलेक्शन करते हैं। तो अभी चलो बेसिक सिलेक्शन, इसके अलावा बहुत सारे सिलेक्शन का होगा, सिलेक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे, लेकिन शॉर्टली मैं एक कमांड में बता देना चाहता हूँ जिससे आप थोड़ा सा कुछ मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे जब हम एडिट मोड पे जाते हैं, और एक और काम कर सकते हो आप इसके अंदर, आप ये लगा सकते हो एक कमांड लाइक, इसको आप मिरर लगा सकते हो डायरेक्टली। तो अगर मिरर कमांड लगाते हैं, चलो इसमें अगर मैं टाइप प्रेस करता हूँ और मैं इसमें राइट क्लिक करता हूँ, इसमें सब डिवीजन ऐड करता हूँ, तो कितना सब डिवीजन ऐड करना है, जब मैं सब डिवाइड करता हूँ इसे, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सब डिवीजन का पैरामीटर है कि कितना आपको रेशियो चाहिए सब डिवीजन का। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो इतना सब डिवीजन पे हमने इसको सिलेक्शन कर लिया, इतना सब डिवीजन चाहिए, तो इतना सब डिवीजन जो कैलकुलेशन है इसका जो सेंटर में आ रहा है दोनों तरफ से, मतलब ये 50-50 एग्जैक्टली राउंड फिगर में 50-50% बीच में आ रहा है एग्जैक्टली। तो अभी क्या करो, अब टैब प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, यहाँ पे एक कमांड आपको लगता है जो डिफॉल्ट आते हैं इसके साथ, लाइक आप टूल्स में जाएंगे, एक मिलेगा आपको एडिट में ऑटो मिरर आता है। अगर आपने ऑटो मिरर रखा है इसको ऑन, ऑटो मिरर ऑन कर दो एक बार। तो ऑटो मिरर ऑन करने से होता है क्या, अगर आप टाइप प्रेस करके फिर से आप एडिट मोड पे जाओ, तो आप वन साइड वर्क करोगे और जी प्रेस करके कुछ भी करो, मतलब मूव किया, तो ये दोनों तरफ से होते हैं मूवमेंट। तो एक एक अच्छी बात है इसको समझने के लिए। और सिमिलरली अगर मैं थ्री प्रेस करके फेस मोड सिलेक्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पे पहला कमांड हम देखते हैं एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड में बहुत एक नया चीज आया है विच इज एक्सट्रूड मैनिफोल्ड। तो एक्सट्रूड मैनिफोल्ड जो है और क्या है, और एक्सट्रूड रीजन क्या है, अलग अलग तरीके से हम इसको समझते हैं। जैसे एक्सट्रूड रीजन अगर आपने लिया सिंपल, और जितना एरिया को आप सेलेक्ट करते हो और इसको एक्सट्रूड करते हो रीजन वाइज, तो आप देखोगे इस तरीके का ये होल हो जाता है एक्सट्रूड रीजन से, ये एक प्रॉब्लम है। या आप एक्सटर्नल जितना भी आप एक्सट्रूड करना चाहो, जितना आप अंडू करता हूँ, मैं शेप को सेलेक्ट करता हूँ बाय होल्ड ऑन शिफ्ट देन मल्टीपल फेसेस सेलेक्टेड एक बार एट ए टाइम, और इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सट्रूड करना चाहता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। और तो ये हम बाहर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूड रीजन, लेकिन इसी के अंदर एक और है, ये तो नॉर्मल एक्सट्रूड जो हम किसी भी एंगल से अगर मैं नॉर्मली इसको एक्सट्रूड करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नीचे का दिस सेलेक्टेड एंड शिफ्ट सेलेक्टेड, यहाँ से सॉरी ये डबल क्लिक कर लो दोनों को सेलेक्ट करके, और इतना एरिया को अगर मैं नॉर्मल एक्सट्रूड करता हूँ तो ये किसी एक साइड जा रहा है, अंडू करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इक्वली चारों तरफ से जाना चाहिए बाहर की तरफ से, तो ये एक्सट्रूड रीजन नहीं यहाँ पे काम करेगा आपके एक्सट्रूड एलोंग नॉर्मल, इसको इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लास्ट में इंटरेस्टिंग है। और पहले मैं देखता हूँ एक्सट्रूड एलोंग नॉर्मल। तो एक्सट्रूड एलोंग नॉर्मल मतलब जो जिसका नॉर्मल फेस है उसके तरफ ये निकलेंगे बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यहाँ से ये दोनों को अपने तरफ से पुल कर रहा है, तो कुछ रिशेप बना रहे हैं, ठीक है। तो अंडू कीजिए इसको कंट्रोल जेड। तो ऐसे जब अगर मैं कुछ भी बना देता हूँ तो ऐसा कुछ बन रहा है, मैं अलग रीजन, अगर आप इसे वही करो, अब इस पर क्लिक करो एक्सट्रूड इंडिविजुअल, अगर आप करते हो तो एक्सट्रूड इंडिविजुअल कुछ ऐसा जाएगा, मतलब अपने अपने फेस में सब मोमेंट देंगे। तो ये तरीका हुआ, अलग अलग तरीके से हम इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। और डिफरेंट तरीका एक और है एक्सट्रूड का, जो एक्सट्रूड थ्रो कर्सर, अभी देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद ये भी इंटरेस्टिंग है। तो एक्सट्रूड एलोंग कर्सर अगर आप लेते हो और जो भी सेलेक्टेड आइटम है, जैसे मान लो हमने यहां से सेलेक्ट किया हुआ है अंडू, तो जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, तो जो हम एक बार कमांड लगा दिया तो उसी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। पहले मैं बाहर क्लिक करता हूं, तो ये ऑब्जेक्ट जब सेलेक्टेड है तो ये ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप करो इस मोड से बाहर चले जाओ बाय प्रेसिंग कोई भी आप मूव ले लो, तो मूव लेने के बाद वो डिसलेक्ट हो जाते हैं। चलिए यहां से अगर मैंने ये सेलेक्ट किया एक ऑब्जेक्ट को, और मैं चाहता हूं कि इसको एक्सट्रूड होगा, अगर मैं फ्रंट व्यू पे हूं ऐसा, मुझे एक्सट्रूड करना है मतलब फ्रंट व्यू के हिसाब से यहां से, और मैंने सेलेक्ट किया है ये एक्सट्रूड कर्सर, तो दिस सेलेक्टेड आप राइट क्लिक करो सॉरी लेफ्ट क्लिक करते जाओ जहां जहां आपको लेके जाना है जिस एंगल में, और लेफ्ट क्लिक करके ऐसे आप मिलाते जाओ,
आपको बहुत ही एक फैंटास्टिक कट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ये, जैसा आपको लगता है। जितना फेस एक बार में सिलेक्शन करना था उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। तो चलो ये हुआ। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हम करने जा रहे हैं सबसे फाइनली एक्सट्रूड के बारे में, विच इज एक्सट्रूड मैनिफोल्ड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। एक्सट्रूड मैनिफोल्ड को अगर आपने सेलेक्ट किया और आपने जितना भी सिलेक्शन किया, जैसे मान लो इतना सिर्फ सिलेक्शन करके सिर्फ आप देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे कोई अलग रीजनल जैसा नहीं कर रहा है, बल्कि ये अपना एक जो एक्सट्रूजन कर रहे हैं इसके बिहाफ पे आप जाओगे, मतलब आप हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए आप कितना अचीव कर सकते हो आप देख सकते हो। इसको अगर मैं इस एंगल से इसको ड्रैग करके ले जाता हूँ बाहर की तरफ एक्सट्रूड करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इतना खूबसूरती से एक्सट्रूड करते हैं। मान लो इसको इससे थोड़ा सा हमें बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है, इतना फेस को अगर मैं निकालते जाना है बाहर की तरफ, तो जितना फेस मैं सिलेक्शन करता हूँ उतना ही फेस को कट करता है बहुत ही स्मूथली, आपको शार्पर कट के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा कुछ ऐसा से। जैसे मान लो हमें इतना एरिया को सिलेक्शन करके एक बार एक्सट्रूड करना है, ठीक है, फिर इतना सिलेक्शन करके एरिया को फिर से नीचे एक्सट्रूड करना है, कम कर देना है, और देखिए कितना खूबसूरत आपका ये मैनिफोल्ड का काम होता है। और इस एरिया को सेलेक्ट करके थोड़ा सा मुझे बेसिक ऐसा मोमेंट इनकी देनी थी, ठीक है, एंड जस्ट लुक दिस। तो ऐसे अगर मैं जो भी बनाता हूँ यहाँ पे और मल्टीपल सिलेक्शन करते हुए हम एक को ले जा सकते हैं अंदर की तरफ, तो ये मेश से बाहर होते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर मान लो कि यहाँ का मेश आपने डिलीट कर दिया इतना मेश को, तो डायरेक्टली आपको स्मूथली वहां तक ले जा सकते हो। तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ वो चीज, लेकिन आप करने का ट्राई कर सकते हो। और कोई भी लगे हाथ अगर आप टू प्रेस करके आप जाते हो, मान लो इस एरिया में अगर आपने थोड़ा सा बेबल कमांड लगाना है इतना से इतना तक बहुत ही स्मूथली, तो आप कंट्रोल बी प्रेस करो और थोड़ा सा ड्रैग करो, तो आप देखो कि कितना अच्छा से आपका यहाँ पे बेबलिंग भी कर रहा है, प्लस बेबल का जो टूल्स आते हैं इसके साथ आप अंदर बाहर इसको कैसे भी आप इसका प्रोफाइल बनाना चाहते हो आप इजिली बना सकते हो प्रोफाइल। जैसे इसी में मैं प्रोफाइल रखना चाहता हूँ अपने हिसाब से कुछ डिफरेंट, तो यहाँ पे आप जाओगे कस्टम पे जाओगे, तो अभी प्रोफाइल में क्या होता है कि जो हमने जो भी विड्थ रखा है इसका उसके बिहाफ पे ऑफसेट होगा, ठीक है, और सेटिंग्स होते हैं। इसके अलावा आप इसमें देखोगे इसके डेप्थ किधर गया, हाँ, तो इसका जो शेप है, ठीक है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ आपको कितना डेप्थ देना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आर्किटेक्चरल में जब हम इसका यूज करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये। तो मान लो कि आर्किटेक्चरल के लिए अगर मुझे करना है, अगर मैंने कस्टम पे गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसा भी हम ऐसा कर्व बनाएंगे उसके हिसाब से आप जितना भी डिटेल करना चाहते हो वो आप डिटेल के हिसाब से इसको आप जैसा फंक्शन लेना चाहते हो ऑटोमेटिक वहाँ पे डिविजन्स इंक्लूड कर लेते हैं, और एक आपको ऐसा कुछ इतना कर्विकल शेप आपको प्रोवाइड करता है। टैप प्रेस करके देखो कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये टूल्स को अगर हम अच्छे तरीके से यूज करें बेबल, लाइक जैसे मान लो ऐसे जगहों पे जब आर्किटेक्चरल में काम करते हो, अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन किया है इतना एरिया को और कंट्रोल बी प्रेस किया, सिंपली आपने वही प्रोफाइल को रखा और फिर से यही प्रोफाइल अभी ये आपका लिस्ट पे बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट करना है कि कुछ पॉइंट्स को मैं सीधा रखता हूँ, ऐसा कुछ समथिंग डिफरेंट कर दिया, जैसा भी आपको लगता है आर्किटेक्चरल में हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन था, मैं ऐसा बनाना चाहता था, तो सिंपली आपको बन जाएगा। अब कहीं भी बनाओ, कहीं भी किधर भी, तो बाकी ऐसे हम इस टूल को समझते हैं। और आई होप कि आपको ये बेबल कमांड्स एंड एक्सट्रूड कमांड अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हर एक के बारे में, और एक बार आप ट्राई करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, बस यहीं पे समाप्त करूँगा। उससे पहले एक टूल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, अभी इसको बाहर क्लिक करके एक बार सबको बंद कर दीजिए। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे ये सर्फेसेज बहुत ही हार्ड सर्फेस में दिख रहे हैं, हार्ड सर्फेस में दिख रहे हैं यहाँ पे। एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये कॉर्नर को जो हार्डनेस जो दिख रहा है इसको हम एक कमांड से ठीक कर सकते हैं। तो आप चले जाओ यहाँ पे मॉडिफायर में,
और ये जो सिमेट्रिकल मॉडिफायर जब हम यहां से ऑन किया था वो ऑटोमेटिक सिमेट्रिकल यहां से लगता है एक्चुअली। तो चलो इसके ऊपर अगर मैं यूज करता हूं एक कमांड और विच इज बेबलिंग, तो डायरेक्टली ये पूरा आपको ऑल ओवर आपको एक ग्लोबल आपको यहां से बेबल कर देता है इसमें। तो बेबल का अमाउंट कितना देना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको दिखेगा नहीं, सेगमेंट्स भी आप एक दो बढ़ा के ले सकते हो, चलो एक सेगमेंट दो सेगमेंट इनफ है, प्लस एंगल अगर आप सेट कर सकते हो तो एंगल को हम कुछ नहीं करते, नन रखते हैं सिंपल। अभी कुछ प्रोफाइल से रिलेटेड चीजें हैं लेकिन हम जो बेवल का ऑफसेटिंग रखेंगे हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बेवल क्या क्या है एक्चुअली आप ध्यान से देखेंगे इसको, ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, तो ये बेवल का जो अमाउंट हम जो भी कम ज्यादा देते हैं है ना। चलो व्यूपोर्ट पे आप देखना चाहते हो थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी व्यू में, तो आप यहाँ पे इसी मोड में रखिए एंड यहाँ पे क्लिक करके आप रखिए यहाँ पे मटेरियल, देन आप कैविटी ऑन कर दो इसका एंड इसको बोथ कर दो एंड थोड़ा सा बढ़ा दो इसका डेप्थ। तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही खूबसूरत लुक आपको देखने को मिलेंगे, जो जितना भी हार्ड सरफेस आप लगाते हो, जो आप इसको पूरा एम्बिएंट ग्लोजन के साथ प्रॉपरली यहाँ पे व्यू कर सकते हो ऑब्जेक्ट को। तो दोस्तों आज मैं एक्सट्रूड कमांड आपको बताया, नेक्स्ट कमांड में आपको मैं हार्ड सरफेस के तरफ लेके जाऊंगा और आगे इसके बाद कोर, और इसे मैं एक बार अप्लाई कर देता हूँ फाइनलाइज। तो आपका ये जस्ट एक फाइनल मेश बन गया, एक सिंगल मेश जिसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का जो भी एडिटिंग करना था उसके अकॉर्डिंग हम करते, और चलो हमारा ये हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक लाऊंगा जो बेसिक फंडामेंटल ही होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसके ऊपर आप कमेंट दो, अगर आपको और एक्सपेक्टेशन है तो बस आप कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए और कुछ भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलते हैं, थैंक यू।